नमस्कार मित्रों, आज के संवाद में आपका स्वागत है। आज हम हटके सी कुछ बात करने वाले हैं। नॉर्मली होता ही ऐसा, क्लाइंट्स कभी कभी मेरे से पूछ लेते हैं कि हम किसकी पूजा करें, ठीक है। पर कभी कभी इससे इंटरेस्टिंग सवाल आ जाता है कि जी पूजा करते वक्त मांगे क्या, प्रेयर क्या करें। साउंड्स इंटरेस्टिंग। तो आज की चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, बात आगे करता हूँ। पहली चीज़ ये समझ लीजिएगा साहब कि मेरा कोई बहुत ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है इस विषय पर बात करने का। मैं उतना ही जानता हूँ जितना मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, और उतना ही कोट करूँगा जितना मैंने पढ़ा है साहब। मेरे को इमेजिनरी कुछ कोट नहीं करना, इमेजिनरी आपसे कोई बात नहीं करनी है साहब, ठीक है। बात शुरू करते हैं साहब। तो साहब सबसे पहले बात शुरू करता हूँ रामचरितमानस की एक पंक्ति से। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। एज सिंपल एज दैट कि जो डिस्टाइंड है वो होगा ही। तो हम बहुत ज़्यादा उस खिचड़ी में ना पड़े। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं। अनहोनी मीन्स मिस हैपनिंग भी है और अनडेस्टिंग, जो कि डिस्टाइंड नहीं है। अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए, जो डिस्टाइंड है वो तो हो ही जाना है। भगवद गीता को कोट कर रहा हूँ साहब। इस सब में एक्चुअली जो बातें कर रहा हूँ ना, एक आधार बना के चल रहा हूँ। मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ उसका एक आधार बना के चल रहा हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 11। देखिए साहब, मैं भगवद गीता को ना, वो जो जैसे फिल्मों में और बेकार की बातों में होता ना, कुछ भी कहना भगवद गीता के नाम पर डालो और कह दो, अपने बस का वो नहीं है। आई एम कोटिंग राइट फ्रॉम भगवद गीता एंड विद द राइट रेफरेंसेस। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 11। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ। यहाँ से एक बात का रेफरेंस भगवद गीता में शुरू हो रहा है, जिसको आगे चल के हम और देखते चले जाएंगे। अध्याय 7 श्लोक 16। चार प्रकार के भक्त हैं, चार प्रकार के भक्त हैं। अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब जिन्हें अपना कोई काम भक्ति के मार्ग से निकालना है कि हे भगवान मेरे को कार दिलवा दो, मुझे मकान दिलवा दो, मुझे वो लड़की दिलवा दो, मुझे वो लड़का दिलवा दो, एंड सो ऑन, व्यापार में इतना तरक्की करा दो, इस तरह कि अपने किसी मतलब की, स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो भक्ति को कर रहे हैं। आर्त, दूसरे प्रकार का भक्त। आर्त, आर्त माने जो किसी कष्ट में है और अपने कष्ट के निवारण हेतु भगवान की शरण में पहुंचा है। बीमारी हो सकती है, तकलीफ फाइनेंशियल हो सकती है, सोशल हो सकती है, पर्सनल हो सकती है। तो अपनी किसी तकलीफ का जो हल पहुंच लेने भगवान की शरण में पहुंचा है, आर्त। तीसरी प्रकार है सब जिज्ञासु। जिज्ञासु वो है जिस जिज्ञासा से जिज्ञासु है, ठीक है ना। तो कि उसको ना बड़ा एक भक्ति, भगवान एक बड़ा मिस्टीरियस सा सब्जेक्ट लगता है, तो सोचता है चलो इसको मैं जाके अपने सवालों के जवाब ढूंढ लूँ, वो जिज्ञासु है। और चौथी प्रकार है सब ज्ञानी, जो ईश्वर के अस्तित्व को जानता है, समझता है और उसी के अनुरूप अपना भक्ति भाव बना के रखता है। अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 16, ठीक है साहब।
अगला अध्याय 8 श्लोक नंबर 6। फिर से देखिएगा साहब, जो चौथे अध्याय में बात की थी उसी रेफरेंस को दोबारा भगवान ने अपने मुख से कहा, जो व्यक्ति मुझे जिस रूप में याद करता है वह उसी रूप में मुझे प्राप्त होता है। सॉरी, जो व्यक्ति जिस रूप में मुझे याद करता है वह उसी रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। कहने का अर्थ, आप जिस भाव जिस भावना से ईश्वर को याद करते हैं, आपकी प्रकृति उसी चीज से हर समय ओतप्रोत रहती है, डूबी रहती है, लिबड़ी, पंजाबी कहते हैं लिबड़ी रहती है। तो अल्टीमेटली आप उसी प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है साहब। अगला अध्याय 9 श्लोक नंबर 25। जो व्यक्ति मेरे जिस स्वरूप का ध्यान करता है अंत में उसी स्वरूप को प्राप्त होता है। तो साहब, बार बार भगवान ने अलग अलग तरीके से एक ही बात समझाई कि आपकी जो मनोवृत्ति है, आपके जो मन में विचार सोच चल रही है, सूनर और लेटर यू विल गेट इनटू दैट थिंग। मनोवृत्ति से ऊपर उठना है, मनोवृत्ति को बदलना है। ऊपर उठना शायद मैं कभी समझा पाऊंगा, मनोवृत्ति को बदलना है। आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं साहब। गुरबानी, गुरु ग्रंथ साहब गुरबानी में कहीं पर यह जिक्र आता है, एग्जैक्ट रेफरेंस मैंने ढूंढने की खूब कोशिश की, नहीं मिला मेरे को, पर यह मेरे को कंफर्म है कि ये गुरु नानक जी के वचन हैं। उन्होंने किसी शब्द में, किसी भजन में, अशब्द में ये जिक्र किया कि पत्थर के अंदर बैठा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कीड़ा, भगवान ना उसे भी वहीं पर बैठे भोजन दे रहा है। और तू किस सोच में पड़ा है? कहने का मतलब साहब, गुरु नानक देव जी हमारे को इतने सुंदर उदाहरण से समझा रहे हैं कि जो मास्टर प्लानर है भगवान, वो हर चीज को जानता है, समझता है। हम बेमतलब उससे कभी ये मांग, कभी वो मांग, कभी इस चिंता में डूबे, कभी उस चिंता में डूबे हैं। अब करना क्या है वो भी गुरबानी में उत्तर है साहब। सुख वेले शुकराना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन। जब आपका समय सुंदर चल रहा है उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, तकलीफ में है तो अरदास कीजिए, और हर वेले सिमरन, हर समय ईश्वर का नाम। अब यहाँ साहब, ये जो है ना अरदास, ये थोड़ा सा मैटर कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है उनके लिए जो तर्क और कुतर्क में पढ़ना चाहेंगे। कहने का एक ही मतलब है कि ईश्वर के आगे नमन होके, नतमस्तक होके यही कहते रहो कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, जो मेरे लिए सबसे बेहतर है वो आप करते रहो, अरदास, ठीक है साहब। वो एक कहीं पे आता है, मैंने जानबूझ के उसको लिखा हुआ और मैंने हटा दिया था, एक शब्द शब्द में आता है, मांगना मांगना बंदिया, कि प्रभु से मांगो मत, वो जानता है, वो जानता है कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। तो साहब, अब पूरी बात की जो मैंने इतनी भूमिका बनाई, तो अब ईश्वर से मांगना क्या है, ईश्वर से मांगना क्या है? तो खुद ईश्वर भगवान राम ने इसका उत्तर दिया साहब, रामचरितमानस के अरण्य कांड में इसका है।
और ये पंक्तियां जो अब मैं कोट करने वाला हूं, ये खुद श्री मुख भगवान राम के मुख से निकली हुई हैं साहब, अरण्य कांड में। जेही विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सुवेग दास मैं तोरा। कि हे प्रभु, हे ईश्वर, जिस चीज के होने में मेरी भलाई है, आप उसे तत्काल सुवेग, आप उसे तत्काल करें, मैं आपका सेवक हूँ। ईश्वर जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है। ईश्वर ना, देखिए साहब, हिंदू धर्म में ना वो एक वो कथाओं में बना हुआ है, भगवान आके कहता है मांग क्या मांगना है, वो इतना देना चाहता है, हम एक छोटी सी कार, एक छोटा सा मकान मांग लेते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा हो सकता है, पर ईश्वर की सत्ता में देखो तो वो कितनी एक छोटी सी अति सूक्ष्म चीज है। तो साहब, इसी एक सुंदर विचार के साथ कि ईश्वर से क्या मांगना है, मैं आज की बात को इति करूँगा। अगले संवाद में फिर मिलेंगे, फिर से उस पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सुवेग दास मैं तोरा। नमस्कार, जल्द फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।